तो दोस्तों, जब भी आप कोई ऐसी वीडियो या फिर ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हो जिसके अंदर आपने किसी दूसरे की वीडियो कोई क्लिप यूज़ किया होता है, किसी की इमेज वगैरह को यूज़ किया होता है, या बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करते हो या कोई सॉन्ग वगैरह यूज़ कर लेते हो अपनी वीडियो को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो ऐसे में जब आप वीडियो क्रिएट करके यूट्यूब पर अपलोड कर देते हो तो आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन रहता है, आपके माइंड में एक डर रहता है कि ये जो वीडियो आपने क्रिएट की है जिसके अंदर आपने किसी का वीडियो क्लिप यूज़ किया या किसी की इमेज वगैरह को यूज़ किया या बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया या किसी का सॉन्ग वगैरह यूज़ किया अपनी वीडियो को अच्छा बनाने के लिए, तो इससे आपको आपको चैनल पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या आपकी वीडियो पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या आपको कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम तो नहीं मिलेगा। अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता है तो आपके चैनल पर भी प्रॉब्लम आ सकती है और आपकी वीडियो भी डिलीट हो सकती है, यूट्यूब से रिमूव हो सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में, अगर 90 डेज के अंदर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक एक साथ आपको मिल जाए तो आपका चैनल यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दिया जाता है, परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ जाए तो आपकी उस वीडियो की जो अर्निंग होगी वो उस क्रिएटर के पास जाएगी जो जिसकी चीज़ की आपने यूज़ किया है, मतलब कि जिसका आपने बैकग्राउंड म्यूजिक या सॉन्ग वगैरह या चीज़ें यूज़ की हैं, छोटा सा क्लिप भी यूज़ किया है, तो आपकी सारी वीडियो की अर्निंग उसके पास जाएगी। तो इसका मतलब है आपको उस वीडियो से कोई फायदा नहीं होगा, तो आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। एक छोटे से क्लिप की वजह से आपके चैनल पर इतनी प्रॉब्लम आ सकती है या आपकी वीडियो भी रिमूव हो सकती है, मतलब कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिले या फिर कॉपीराइट क्लेम मिले, दोनों सूरतों में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। तो इस सारी मेहनत से बचने के लिए यूट्यूब ने एक और फीचर लॉन्च कर दिया जो कि चेक्स के नाम से है, मतलब कि ये क्रिएटर के लिए बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। जब आप वीडियो अपलोड करोगे तो आपको वीडियो अपलोड करते ही पता लग जाएगा आपके वीडियो के अंदर किस जगह प्रॉब्लम है, तो आप दोबारा से वीडियो क्रिएट करके दोबारा से उसको एडिट करके आप अपलोड कर सकते हो। इस तरह आपकी अर्निंग भी बच जाएगी और आपके चैनल पर कभी कोई स्ट्राइक भी या कभी कोई कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा। तो अगर आप अपनी वीडियो क्रोम ब्राउजर से अपलोड करते हो, मतलब जब आप वीडियो अपलोड हो जाती है उसके बाद जब प्रोसेसिंग होती है उसके बाद जो चौथे नंबर पर आपको ऑप्शन मिलता है चेक का, मतलब कि यहाँ पर आपकी वीडियो को चेक किया जाता है कि आपकी वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी वीडियो के अंदर जो आपने क्लिप वगैरह को यूज़ किया होता है या कुछ भी यूज़ किया होता है, अगर यहाँ पर आपकी वीडियो क्लियर तरीके से गुजर गई, मतलब यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आपकी वीडियो पर आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, मतलब कि आपने जो भी चीज़ें यूज़ की होंगी अगर यहाँ पर आपने चेक के ऑप्शन से अच्छे तरीके से गुजर गए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये चेक का, जो कि क्रिएटर के लिए बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, मतलब कि आपकी वीडियो अपलोड होते ही आपको पता लग जाएगा कि आपकी वीडियो के अंदर कौन किस जगह प्रॉब्लम है, तो आप दोबारा से वो सेट करके आप देख सकते हो, दोबारा से अपलोड कर सकते हो, आपकी मेहनत भी बच जाएगी, यहाँ पर आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके चैनल पर स्ट्राइक भी क्लेम भी नहीं आएगा। और हाँ, यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूँ, अगर आपकी चेक के ऑप्शन से वीडियो क्लियर तौर पर गुजर गई फिर भी आपको सामने वाला कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम दे सकता है जिसकी आपने वीडियो यूज़ किया है, जिसका आपने क्लिप यूज़ किया, लेकिन 99% ये चांसेस नहीं रहते हैं। अगर तो आप YouTube फेयर यूज़ पॉलिसी के तहत आप वो चीज़ें यूज़ करेंगे, आप YouTube फेयर यूज़ पॉलिसी के तहत अपनी वीडियो के अंदर वो चीज़ें यूज़ करेंगे या बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बैकग्राउंड म्यूजिक पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैं डिटेल से बता चुका हूँ कि आपने बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेना है और कैसे यूज़ करना है, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वॉच कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि हर एक यूट्यूबर को पता होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट भी कर सकते हैं, इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक यहीं पर कर दे, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन को साथ दबा देना, इससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।